नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिदम दत्ता और आप इस समय देख रहे हैं बोल बिंदास विद रिदम। आज का सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड का दारोमदार एक विलन पे होता है या फिर वो खूबसूरत सी बॉम्बशेल जो सिर्फ 5 मिनट के लिए बड़े पर्दे पर आती है। यही आज हमारा सवाल है और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास दो बड़े खतरनाक और बेहतरीन चेहरे आए हुए हैं। बैड मैन ऑफ बॉलीवुड गुलशन ग्रोवर। Happening the talented Dastani and of course very gorgeous. Uh, one welcome, Poonam Pandey. Hello there. Hi, ek film mein villain zyada bada hota hai ya bombshell zyada badi hoti hai? I think it works because of a fantastic, exciting story, script, collaboration and contribution of everybody involved in the film, and of course the villain and the bombshell together. Okay. Because nobody's really, sort of against each other. In fact, I'm a great fan of all the James Bond films. First of all, the James Bond villain is very, very hospitable. वो क्या कहते हैं, James Bond को पकड़ता है, अच्छे जगह पर खड़ा रोकता है, अपनी जो girlfriend है, who's a bombshell, वो उसको look after करती है, लाती है, says, "Welcome, Mr. Bond. Like, this is the best wine." उसका सारा secret बता देता है। उसका जेम्स बॉन्ड जो है उसकी बॉम्बशेल के साथ में मिलकर उस बॉम्बशेल को अपने प्यार में फंसा कर सारा खेल उठा। आप ये कह रहे हो सर कि वो धोखा दे देती है विलन को, बॉम्बशेल? बॉम्बशेल देखिए, आपका क्या कहना है कि एक फिल्म जैसे गुलशन सर बहुत स्मार्टली उन्होंने ना दो जवाब दे दिया, उन्होंने बहुत स्मार्टली वो आए काफी, उन्होंने कहा कि यार ये ऐसे होता है, विलन थोड़ा सा आगे होता है बॉम्बशेल से, बट आप तो अभी से हथियार नहीं डाल रहे हो ना, आप भी एक हॉट फीमेल बॉलीवुड स्टार, बट आई वुड से पर्सनली सेइंग दे आर आल्सो a sort of kind of villain, you know why? ये कहीं ना कहीं distract बड़े प्यार से करती है, you know, बहुत बहुत अच्छे से, you know, screen पे. So I mean, let it be that the actor, you know, this, that, do this, but when a bombshell comes in, and of course when a villain comes in, so I believe they are like, you know, that they are like, okay, now tell me this film, Agnipath. I personally love Sanjay Leela. I like the way he was like the good looking, that they're like big guy. You remember that film? Yeah, of course, of course. I was like, wow. I was like, no, was pretty cool. No, of course, of course. Bombshell and villain, they go hand in hand. Do you think they are incomplete without each other? Or the big Bollywood films, they would be incomplete agar aisa ek bilkul sahi baat hai. Kahani aage badhti hai, usse kahani aage badhti hai. Kahani aur entertaining hoti hai. Iske alawa jo betrayal का फीलिंग आता है, क्योंकि हमेशा लगता है जब बॉम्बशेल हीरो से ज़्यादा बात कर रही है या हीरो से अफेक्शनेट हो रही है तो ऐसा लगता है कि जरूर बिट्रे करेगी, लेकिन वो बिट्रे कर रही है अच्छे रीजंस की वजह से, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट इज द विलन रिप्रेजेंटिंग, द विलन इज रिप्रेजेंटिंग बैड, द विलन इज रिप्रेजेंटिंग ईविल, एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स वी मेक इन विच द ट्रूथ मस्ट ट्रायंफ, सत्यमेव जयते। व्हाट इज योर टेक नाउ? यस, आई वुड से द सेम, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी जहाँ पे हीरो हीरोइन विलन एंड बॉम्बशेल एंड फॉर थिंग्स एवरीथिंग, इट्स अ होल मिक्सचर, इट्स लाइक नथिंग इज, इट्स कंप्लीट, यू नीड अ होल पैकेज, यू नीड अ होल स्टोरी, यू नो, टू मूव अप, एंड देन ओनली यू कैन गेट अ गुड कंटेंट एंड अ गुड स्टोरी, दैट्स व्हाट्स आल्सो आल्सो आई मीन लाइक द पार्ट ऑफ बॉम्बशेल इज सो इंपॉर्टेंट दैट टुडे इफ यू लुक एट इट यू नो द हीरोइंस हैव रिप्लेस्ड दैट पार्ट। इसके साथ साथ इवेंचुअली एक ऐसा मौका आता है जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू वन गुड डीड फॉर द बॉम्बशेल, एंड वन गुड डीड इज टू सेव एवरीबॉडी एंड स्पिल द बीन्स टू द हीरो एंड से कि ऐसे ऐसे तुम अपनी माँ को या उसको बचा सकते हो। एंड एक्चुअली अगर आप देखें, बहुत परफॉर्मिंग रोल होता है बॉम्बशेल का, बहुत जबरदस्त रोल होता है। हाँ, कौन इम्पॉर्टेंट है कौन नहीं इम्पॉर्टेंट, ये डिसाइड होना बहुत मुश्किल है, ये कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहानी के अंदर क्या है। अगला सवाल वो ये है कि एक्सपोजर, यू नो वी ऑल नीड एक्सपोजर इन लाइफ, बी इट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, बी इन टर्म्स ऑफ यू नो एनी गुड वर्क दे ट्राइंग टू डू, सो डू यू थिंक दैट बॉम्बशेल इन द फिल्म आर बीइंग टोल्ड टू एक्सपोज मोर देन एनी, इवन इन द इवन द हीरोइन इन द फिल्म दे गेट टू एक्सपोज मोर इन टर्म्स ऑफ देयर लुक्स and in terms of the dress, what's your take on that? They do it and I think they love it.
What's the harm in that? So there's no harm from... Of course not. And of course the villain would love it. Wait, देखिए मुझे मैं मुझे तो क्या कहते हैं कि एक्सपोज करना नहीं है तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है ये तो मैंने संभाली विलन्स के आल अलग दे देते हैं मुझे बहुत जबरदस्त आ जाती है तो उनके लुक्स पे जब इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पे बॉम्बशेल स्टिल दे यू नो स्टिक समवेयर क्लोज टू इज इट द अनकंडीशनल लव और द टेरर टेरर I would say it's attraction because wow. because I mean come on guys different look different attire not looking normal like this and just wearing a shirt they're wearing a shirt something so different that's so cool why are villains so matlabi as compared to bombshells आप देखिए विलन मतलब ही होते हैं विलन दूसरी विमेन में इंटरेस्ट रखते हैं विलन बिट्रे कर देते हैं और ये सब होता है इसलिए तो अंत में विलन की जो एंडिंग है वो बहुत ही बुरी होती है बहुत ही टेरिबल होती है एंड इसलिए कि बिकॉज हीरो विंस नॉट ओनली द वॉर हीरो विंस द वुमन एंड एवरीथिंग तो आप ये समझ लीजिए कि विलन इज ओनली फैसिनेटिंग फॉर द टाइम दैट ही इज ऑन स्क्रीन और ही इज शोइंग ऑल दैट ग्लिट्स ग्लैमर ड्रामा पावर एंड एवरीथिंग लेकिन आखिर में उसकी दुर्दशा बहुत खराब होती है आपने इतनी फिल्में करी हैं इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स करे हैं इतनी अलग अलग बॉम्बशेल्स के साथ आपने स्क्रीन पे शेयर करी है तो आपके तीन फेवरेट ऑल टाइम बॉम्बशेल्स कौन है ऑफ कोर्स बिंदु जी अरुणा ईरानी जी हेलन जी पूरा मां आपके ऑल टाइम थ्री फेवरेट विलन्स प्रेम चोपड़ा क्या प्रेम नाम है एंड माय मोस्ट फेवरेट द गाइस यस Thank you. Thank you very much. Cheers! You're amazing.